अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग्स। तो आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जब से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है उस पर मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आने लग गए। यार आप लोग, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब हेटर्स हैं मेरे, मैंने जानती हूँ मेरे हेटर्स हैं और मेरे से बहुत गलत बातें भी कर रहे हैं। मतलब बहुत मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं, उसमें बहुत से ऐसे हेटर्स होते हैं जो बहुत बुरी बातें भी कर रहे होते हैं। मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, पर यार दुख होता है जब मैं कॉमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाली थी ना, वो किसी के रिलेट तो नहीं थी ना, मतलब किसी के भी रिलेटिव मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो आप लोगों ने मुझे जो कमेंट्स करें तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़बान संभाल के बात किया करें। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स करें, और मैंने वो पोस्ट अभी तक नहीं हटाया है, वो पोस्ट अभी तक लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि इग्नोर मारते हैं सब चीज़ों को। तो आज मैं फ्राइडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और फ्राइडे की रूटीन में सबसे पहले ये है कि मैं जल्दी से उठी और उठते के साथ ही ऊपर आई मौसमी के छिलके। और मैं, ये चार दिन हो गए थे ये सूखे नहीं थे, क्योंकि दो दिन से तो धूप ही नहीं निकल रही थी, और ये फिर चौथा दिन हो गया था इसको मैं लेकर आई। फिर अच्छी तरीके से ये हो चुका था, फिर उसके बाद जो है इसे मैंने पाउडर बना लिया। ये देखें यहाँ पर बहुत सी मतलब हम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ये वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या यूज़ होगा, जस्ट मैंने पाउडर बना के इसे रख दिया है कंटेनर में। इसके अंदर अगर आपने यूज़ करना है, थोड़ा सा आपने ये पाउडर लिया, थोड़ा हनी लिया और थोड़ा सा आपने दूध लिया या रोज़ वाटर लिया, इसमें मिक्स करा और आपने लगा लिया, पील ऑफ मार्क्स बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा ऑरेंज का। तो आप ये यूज़ करें और इंजॉय करें। अच्छा जी, फिर ऐसा है कि यहाँ पर मैं सुबह उठते के साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, ले लिया है और अजवाइन ले लिया गर्म पानी में। डेली मेरी बेसिक पे ये रूटीन है कि गर्म पानी मैंने पीना होता है, गर्म पानी है और अजवाइन है। इससे आपका वेट लूज बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो रिड्यूस होता है इससे बहुत। तो मैंने ये ले लिया है क्योंकि मैंने जस्ट मैं जो है ना गर्म पानी पीती थी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा अमल किया, इस पर वीडियोज़ देखी, तो ये मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद जो है मैंने वर्कआउट अपनी स्टार्ट कर दी, गर्म पानी पीते के साथ ही जो है मैं वर्कआउट करती हूँ। और सुबह में जो सुबह का नाश्ता वगैरह अभी जो है वो स्किप किया हुआ है, क्योंकि इसलिए स्किप किया हुआ है। तो यार आपकी बहन से ना यार डाइटिंग शाइटिंग नहीं होती, सीरियसली मेरे से बिल्कुल भी डाइटिंग शाइटिंग नहीं होती। मेरे पास जो कमेंट्स आए कि सिस्टर जो आप है ना थोड़ी सी कम हो जाएं और थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएं तो वल्ला कमाल लगेंगी और ये वो व्हाटएवर जो भी है। यार आपकी बहन से ना डाइटिंग नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ एक्सरसाइज कर लेगी पर डाइटिंग नहीं होती। फिर भी जो मैंने काफ़ी जो थोड़े से जंक फूड्स वगैरह थे उससे जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया। पहले भी इतना नहीं था पर था मेरा जंक फूड्स वगैरह ना, तो वो थोड़ा सा कम कर दिया। और ये यार अभी मेरा मतलब एक घर में जो है ना मेरा मजाक बन जाता है, पता चलता ना किसी को कि मैं डाइटिंग पर हूँ तो घर में मजाक बन जाता है, अच्छा तुम डाइटिंग करोगी, सच में डाइटिंग करूँगी। जब मेरा डाइटिंग करने का थोड़ा सा मूड होता है उसी घर में मेरे घर में बिरयानी बन जाती है। यार बिरयानी को देख के ना तो मतलब मेरी ऐसी राल टपक रही थी कि वो बोलते खड्डे में गई डाइटिंग और पता स्टार्ट करूँ बिरयानी खाना। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे कर देते हैं, या कभी कुछ मैं सोचती हूँ कि मैं डाइटिंग करूँ तो यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब बंदा बताओ करे तो क्या करे। अच्छा जी, फिर भी मैंने सब चीज़ें छोड़ के मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया, उसके बाद जो है मैंने वर्कआउट स्टार्ट करी। मैंने बोला चलो भाई ऐसे 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 स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें करते हैं फिर उसके बाद जो है वो अपना एक लेवल बनेगा। तो मैंने बस ये जस्ट छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी। गर्म पानी तो वो वैसे ही शुरू से मैं पीती थी, तो उसके अंदर मैं अजवाइन वाला पानी पीने लग गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने जल्दी से अपना निकाल लिया ड्रेस जो मेरा क्या है, ये है पटियाला शलवार जैसे कहते हैं ना, ये वो है, और ब्लैक कलर का इसके ऊपर ये कुर्ता है, और इसके ऊपर जो मतलब इस ड्रेस पे जो है ना वो छंद बोलते हैं ना वो डली हुई है, और ये लुप्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखें बहुत ही अच्छा, मतलब ज़्यादा वो नहीं है गला, बहुत ज़्यादा जड़ाव वाला नहीं है पर अच्छा लग रहा था ना ड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद जो है नहाने के बाद मैंने निकाल लिया है ये अपना सिरम। जो सिरम के बाद ये मेरा सिरम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, इसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगी। और अच्छा जी, आपकी बहन बड़ी फूवड़ भी है, निकालते के साथ ही वो गिरा दी, और अम्मा जो है ना मैंने को सुना रहा है मुझे बहुत सादा कि तुम्हारे हाथ में दमशम नहीं है। तो मैंने कहा सुबह उठते के साथ ही मैंने कुछ खाया पिया नहीं तो दम तो होना ही नहीं है ना, इसलिए। अच्छा जी, इसका रिव्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है, सिर्फ दो ड्रॉप्स लेनी होती है, और इसका रिव्यू इतना बेहतरीन है। अगर आपने स्ट्रेट करना होता है बाल तो आप नहा कर आएँ, इसे लगा लें और मतलब एक कंघा कर दें, और माशाल्लाह आपके स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे बाल, और इससे जो है ना वो सिल्की शाइन होता है। अच्छा जी, 100% आपके बाल जो है ना वो गीले नहीं होना चाहिए, आपके बाल जो है ना 50%
परसेंट गीले होना चाहिए, 50% जो है वो ड्राई होना चाहिए. तो वीट और ड्राई दोनों ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जब जाके ये थोड़ा असर करेगा. वरना अगर आप गीले में लगा देंगे ना तो वो इतना असर नहीं करेगा, और अगर आप ज़्यादा ड्राई में लगा देंगे तो फिर वो नज़र ही नहीं आएगा. तो इसे ऐसे ही यूज़ किया जाता है. अच्छा जी, मैंने इसको यूज़ कर लिया है. उसके बाद जो है वो मुझे नमाज की देर हो रही थी तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी नमाज, ठीक है. तो मैं आपको, यार सारी बातें रूटीन है तो मुझे रूटीन में हर चीज़ ही आपको दिखानी होगी. नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी यार, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था मैं. तो यहाँ पर मैंने जो है ना ऑरेंज छील लिया था. उसके बाद जो है क्योंकि मुझे फ्रूट से बहुत ज़्यादा ही लगाव है तो इसलिए मैं फ्रूट्स के लिए कभी मना नहीं कर सकती. और साथ साथ में मम्मा यहाँ पर बना रही थी, फ्रूट चाट बना रही थी, तो यहाँ पर आलू कट कर रही थी. और मम्मा और हरमिन जो है वो रोटियाँ बना रही थी. और साथ साथ में मम्मा जो है आज सालन भी बना रही थी. सालन में जो है मम्मा ने चिकन बनाया ना. हाँ मम्मा, आपने चिकन बनाया. सभी अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे तो मैंने सोचा जल्दी से मैं भी बाल बाल बना लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर. और भाई जो है ना बीच बीच में मेरे से पंगे ले रहे थे, और मेरी वीडियो में मतलब दिखना चाहिए जहाँ पर कैमरा हो ना, अर्शिन शूट कर रही हो तो वहाँ पर भाई का आना लाजमी हो जाता है. तो यहाँ पर मेरी वीडियो भाई ख़राब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा जो है ना वो तंग कर रहे थे. मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. बड़े भाई ना कदर बहुत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही करती हूँ यहाँ पर. यार भाई, ओ भाई छोड़ो, भाई 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 छोड़ो, भाई पापा. जिसमें मुझे 2 घंटे लग गए कि मेरे बाल बन के नहीं दे रहे, सेट नहीं हो रहे, कहाँ से कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ. फिर उसके बाद जो है वो भाई ना आके तंग कर रहे हैं कि मतलब प्रॉपरली मुझे कुछ काम करने नहीं दे रहे. मैं बंदी इतनी हसीन हूँ, मतलब इतना का काम करती हूँ यहाँ पर, ये लोग मुझे काम ही नहीं करने दे रहे. मतलब मजाक बन गया यहाँ पर आपकी बहन का, यार इतना मजाक बन रहा है. तो सभी कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, और पापा जो है वो नमाज के लिए जा चुके हैं, और मैं हूँ यहाँ पर. मेरे बस फाइनली जो मैंने छुट्टियाँ जो गूँथी थी वो मैंने फाइनली, मैंने बोला बस जल्दी जल्दी अला काम करूँ. मैंने एक बल लेके इधर डाल, मतलब एक को लेके इधर अटैच करा लेफ्ट में, और दूसरे को जो है राइट में अटैच करा. तो मेरे यहाँ पर बन गए समेटे हुए बाल, वरना मेरे तो बस सिंपल सा बर्न रहता है, मेरे बाल समेटे हुए नहीं रहते. तो यहाँ पर समेटे हुए मेरे बाल बन गए थे. मैंने सोचा शायद खुल जाएंगे, पर नहीं खुले, वो मतलब बिल्कुल पक्के हो गए थे. उसके बाद जो है वो सुन्नत अदा करते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे सुरमा. बेसिकली यार मैं जो, मुझे काजल सुरमा ये चीज़ें मुझे मतलब नहीं समझ आती है, फिर भी इसका इस्तेमाल जो है मैं अब बहुत ज़्यादा करने लग गई, वरना पहले नहीं करती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा करने लग गई. और माशाल्लाह, और काजल से अच्छा तो सुरमा होता है ना, पर काजल से भी आँखें बहुत ज़्यादा ही खिल जाती हैं, और सुरमे से भी. और बेसिकली यार मैं आपकी जो बहन है ना वो लगाती थी वाइट पेंसिल लगाती थी, ठीक है. तो यहाँ पर मम्मा ने कहा कि काजल लगाया करो, काजल से आइज़ बहुत अच्छी लगती है. तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं काजल से आइज़ मेरी अच्छी लगती है या नहीं लगती. तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुरमा लगा ही नहीं है, बट लगा है, मेरी आँखों में महसूस हुआ है सुरमा लगता हुआ ना. तो मैं यहाँ पर हो गई हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ खाना खाने के लिए. खाना खाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि यार मौसम भी जो है ना वो खाई थी मैंने. आप चाट खाओगे? नहीं, क्योंकि आप खा के बैठी हो. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाता है, बट मुझे थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के स्किप करना पड़ेगा. बर्गर उठा के सिर्फ जस्ट मैंने वीडियो बनाई, इसको रख देते हैं और थोड़ी सी जो है वो फ्राइज़ खा लेते हैं. सिर्फ 2 दिन फ्राइज़ खा लेते हैं या थोड़ा सा ब्रॉस ट्राई कर लेते हैं. सर मेरे को चुपचाप सोने दे रही हो? नहीं दे रही. नहीं, आप ही पहले बात करो, फिर काम करो. कैसे आप मुझे तंग कर रही हो, मुझे मेरा काम करने दो. काम कर लेंगे बाद में, अभी मेरी बात सुनो. आपके काम इम्पोर्टेंट नहीं, आपके बातें इम्पोर्टेंट नहीं, काम इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़रूरी है आपके, मतलब क्या है? चलो सुनाओ. सुबह से मेरे को एक ही बात लेके बैठी हो, क्या खाती रहती हो? भाई जल्दी बोलो ना, मेरे पास और भी काम है. कुछ भी नहीं. इधर आओ, कैफी इधर आओ, आइस क्लोज करो. हाँ, खोलना नहीं, मुँह बंद करो एकदम, हटाना नहीं. ये लो, आपके लिए ये बेहतर है, यू डिजर्व दिस. बस ऐसे करो, बस अभी कैफी ना, आप तो अभी वही है ही. अब आप डिजर्व.
अच्छा जी, सुबह से लेके शाम तक की रूटीन मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद जो है मैं ये हम लोग भी बनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर का सामान वगैरह जो है बनाते हैं, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आ रही है तो इसका भी काम होता है हमारा, ठीक है। तो मुझे यही अभी काम करना है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।